السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا او كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मौत तक कसरत से अदब से अजमत से और इस इस्तिहजार के साथ कि मैं यहां हूं मेरा दिल मदीने में है अल्लाह हमें दुरूद पाक पढ़ते रहने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम मुअज्जज उलमाए किराम अजीज नौजवानों और मेरी मोहतरम दीनी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको ये जो बोलने की तौफीक अता फरमाई है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जुबान, ये दांत, ये मुंह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितने लोग वो हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बोलने से भी माजूर है, सुनने से भी माजूर है, और हम हैं के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बोलने की अपने फजल से तौफीक अता फरमाई। हालांकि हमने अल्लाह ताला से कोई दरखास्त नहीं की थी, कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि अल्लाह आप मुझे बोलने की तौफीक अता फरमाना। महज अल्लाह ने अपने फजल से हमें बोलने की तौफीक अता फरमाई। कितने लोग हैं हमारे नवसारी में, तकरीबन 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जो बेचारे बोल नहीं सकते, न सुन सकते। आप सूरत ले लो तो तकरीबन 100 से ज़ाइद लोग ऐसे होंगे और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन लाखों की तादाद में और पूरी दुनिया में तो पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे जो बेचारे बोल नहीं सकते। और हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि हमने उनको देखा कि वो बेचारे नहीं बोल सकते। अल्लाह तबारक व ताला उन पर रहम फरमाए और अल्लाह अपने फजल से उन्हें बोलने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। और हम हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बोल भी रहे। अल्लाह इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया कैसे अदा करें? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, जुबानी शुक्रिया भी अदा करें। अभी हम 3 मर्तबा मोहब्बत की जुबान से हम लोग पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें चाहिए कि हम अमली शुक्रिया भी अदा करें। अमली शुक्रिया कैसे अदा करें? फरमाया कि झूठ न बोले इस जुबान से।
मजाक में झूठ बोलना भी गुनाह कबीरा है। अपने बच्चों को जो अहम और बुनियादी चीज सिखानी है वो ये सिखानी है कि बेटा आप झूठ ना बोलना। पीरा ने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने जो अपने बेटे की तरबियत फरमाई थी उसमें बुनियादी चीज ये सिखाई थी कि बेटा झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। इस सच ने उनको कहां से कहां पहुंचाया। 10 साल की उम्र में जो इनके हाथ पर डाकुओं की एक जमात ने तौबा की वो इनके सच बोलने पर की, और दर हकीकत ये सच बोलना इनका, ये इनकी वालिदा की तरबियत का नतीजा था। अब तो मां बाप ही झूठ इतना बोलते हैं, बच्चे को कहा बेटा यहां तुझे कैडबरी देता हूं, और बच्चा आया और कैडबरी नहीं दी, तो इसको कहते हैं गुनाह कबीरा, ये बड़ा गुनाह किया। कब मैंने तो ऐसे ही बुलाया, ना 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 ना, झूठ चीज ही इतनी खतरनाक है कि मजाक में झूठ बोलना भी गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। जैसे शराब पीना बड़ा गुनाह है, जीना करना बड़ा गुनाह है, चोरी करना बड़ा गुनाह है, नमाज का छोड़ देना ये बड़ा गुनाह है, इसी तरह मजाक में झूठ बोलना ये भी बड़ा गुनाह है। अब तो छोटे छोटे बच्चे अजीब तरीके से झूठ बोलते हैं। देखो आपको वो बुला रहे, वहां गए कोई नहीं था, बेटा क्या हुआ? क्या अप्रैल फूल? अल्लाहु अकबर, ये क्या हुआ भाई, हमारे मुआशरे में ये चीज कहां से आई, ये अप्रैल फूल कहां से आया? क्या हम बच्चों की तरबियत नहीं करते? हमारे बच्चे दिवाली की में फटाकड़े फोड़ते हैं, फटाकड़ी फोड़ते हैं, रास्ते से गुजर रहे हो बिंदास फटाकड़ी फोड़ते हैं, कोई उनको कहने वाला भी नहीं। उत्तरायण में बच्चे पतंग जगा रहे होते हैं, तो हमने फिर अपने बच्चों की क्या तरबियत की, ये आगे चल के हमारी क्या खिदमत करेंगे और क्या हमारे लिए दुआ करेंगे और हमारे मरने के बाद क्या हमको इसाले सवाब करेंगे। तो माँ बाप ही पतंग चगा रहे। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। तो गलत चीजों से हमें बचना है और अपने बच्चों को बचाना है, बच्चों को बचाना है। दिवाली आए हम चौकन्ना हो जाए, हमारा बच्चा उसके साथ न फिरे जो फटाकड़े फोड़ता हो, जो फटाकड़ी फोड़ता हो, चाहे 1 रुपए की कोई चीज फोड़ता हो, गैरों की मुशाबहत करता हो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त न करें। अच्छी तरह समझाए, बेटा हम वहां नहीं जाएंगे, उसको भी समझाए, उस बच्चे के अब्बा को भी समझाए कि मैं आपका खैरखा हूं, आपका बेटा फटाकड़ी फोड़ता है और अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। अभी फटाकड़ी फोड़ता है, बड़ा होके क्या करेगा? इसलिए हम गलत चीजों से बचें और अपने बच्चों को बचाएं। सच बोलना, जुबान अल्लाह की बहुत ही बड़ी और अजीम शान नेमत। कोशिश करें कि इस जुबान की हम हिफाजत करें, इस जुबान से हम अल्लाह का जिक्र करें, इस जुबान से हम अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़े, जिसको दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत कहते हैं। अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ना, जरूरी नहीं कि जमात में वो तभी जोड़े, ना 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 ना, किसी से बात हो रही है उसको भी अल्लाह से जोड़े, हमारी दुकान पे जो ग्राहक है उसको भी अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करें। दुकान पे माल भी दे रहे हो और एक तरफ उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत भी हो रहा हो, उसके लिए दुआ भी कर रहे हो हम दिल से, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, इसको हक समझा दे। हम बस में सफर कर रहे हो वहां भी हम दाई हैं, हम ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में सफर कर रहे हो वहां भी हम दाई हैं। अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ना ये बहुत बड़ी चीज है। देखो कितने गूंगे बहरे बेचारे वो अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं, उनके बयानात हो रहे हैं गूंगे बहरों के, और इतना जबरदस्त और ऐसा जबरदस्त वो काम कर रहे हैं और इस तरह समझाते हैं वो हाथ के इशारे से। अल्लाहु अकबर कबीरा,
उस वक्त एहसास होता है जब उनको देखते हैं, जब उनकी जमातें आती है, जब उनके बयान में बैठने का मौका मिलता है। कई दफा उनके बयान में इस साजिश को बैठने का मौका मिला, उस वक्त एहसास हुआ कि हम बोलने वाले, हम सुनने वाले, अगर हम अल्लाह के दीन की मेहनत नहीं करेंगे, अल्लाह किसी और को खड़ा करेगा और वो अल्लाह के दीन की मेहनत करके बताएंगे। इबादत भी करनी है और दावत का काम भी करना है, अपनी जन्नत भी बने और दूसरों की जन्नत भी बने उसकी कोशिश करनी है, दूसरे भी कामयाब हो जाए उसकी कोशिश करनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे खिलाफत मिल जाएगी ना फिर मैं दीन का काम करूंगा। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं, जिसका खुलासा यह है कि तेरी बात से ऐसा लगता है कि तेरे से बड़ा जाहिल कोई नहीं। क्यों है, क्या बात है? इसका मतलब तो यू सोच रहा है कि मैं कुछ हो जाऊंगा फिर मैं दीन का काम करूंगा। अगर खिलाफत मिलने के बाद तू अपने आप को कुछ समझेगा तो तेरे से बड़ा जाहिल कोई नहीं, तो खुदा की नजर से गिर जाएगा। एक शख्स को एक बुजुर्ग ने खिलाफत दी, उन्होंने कहा हजरत मुझे तो अपने अंदर कुछ नजर नहीं आता। हजरत ने फरमाया नजर नहीं आता इसीलिए दे रहा हूं, जिसको नजर आता है उसको नहीं देते, जो अपने आप को कुछ समझता है उसको खिलाफत नहीं मिलती। हजरत ने फरमाया उसको नहीं देते जिसको नजर आता है। हजरत की अपनी बात थी, अल्लाह अकबर कबीरा, इसीलिए दे रहा हूं कि आपको अपने अंदर कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर आएगा तो हम तो अपने आप को कुछ समझेंगे और कुछ समझेंगे तो अल्लाह की नजर से गिरेंगे, फिर सब घर वाले हकीर लगेंगे और मैं कुछ हूं ये लगेगा, और मैं कुछ हूं यही तो अल्लाह को ना पसंद है, अपनी मैं को निकालना, अपने आप को गुनहगार कसूरवार समझना। क्या हमारे गुनाहों को हम भूल गए? खुदा ने सत्तारी की चादर डाली हुई है, अगर वो चादर हटा दे तो कोई हमसे मिलना पसंद न करे, कोई हमें देखना पसंद न करे, कोई हमारी बातें सुनना पसंद न करे और कोई हमारे पीछे नमाज पढ़ना पसंद न करे। ये अल्लाह का एहसान है, ये जो लोग हमसे मिलते हैं मोहब्बत से मिलते हैं, ये खुदा ने जो सत्तारी की चादर डाली है इस वजह से मिलते हैं। तुम मेरा अजीज हो, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, एक इंसान यूं कहे कि मैं ख्वाब में ड्राइविंग सीख लूंगा ना फिर मैं ड्राइविंग करूंगा, ना भाई, वो तो सीखनी पड़ेगी, कभी ठोकाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। इसी तरह दावत का काम है, चलते रहो करते रहो, डरते रहो डरते रहो करते रहो, खुद भी अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां दो। कितने हमारे अकाबिरीन ऐसे है जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां खपा दी, पूरी पूरी जिंदगी। हजरत जी मौलाना इलियास साहब को देखो, मौलाना यूसुफ साहब को देखो, मौलाना इनामुल हसन साहब को देखो, मौलाना मंजूर साहब नौमानी को देखो, हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह को देखो। भाई जमात में चले जाना यही दावत का काम नहीं है, गश्त में चले जाना यही दावत का काम नहीं है, वो भी दावत का काम है। अभी ये जो मैं आपको बयान कर रहा हूं अल्लाह के फजल से यह भी दावत का काम है, समझाने के लिए कह रहा हूं, यह दावत है, यह दावत है। कितने मशाइख के और उलमा के बयानात चल रहे हैं, यह दावत है। आपने एक को समझाया अपने दोस्त को, यह दावत है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़े। दावत और तबलीग का मफहूम बहुत वसी है, इसको महदूद न कर दे। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुम इतनी सब मेहनत कर रहे हैं, ये क्या है, ये दावत का काम कर रहे हैं। हजरत कारी अब्दुल रशीद अजमेरी साहब दामत बरकातुम दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत कर रहे हैं वो। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। एक बहुत बड़े तबके ने यूं समझ लिया कि 3 दिन 40 दिन 4 महीने लगाना यही दावत है, ना यही नहीं, ये भी दावत का काम है, और भी बहुत से तरीके हैं दावत के काम के, जो हक तरीका हो उस पर चलने की कोशिश करें। और ये जो तरीका है जो अल्लाह ने हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पर खोला, इस तरीके को अल्लाह ने बहुत मकबूलियत दी। यूं समझिए ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत की एक रब्बानी एक लहर चल रही है, हम अपने आप को इसमें पेश करें।
बिल्कुल हम भी मुलाकातों में जाएं, हम भी गश्तों में जाएं, अपने आप को अल्लाह के दीन का मोहताज समझे। बहुत बड़ी बात है गश्तों में जाना, मुलाकात में जाना, एक माहौल होता है। हर महीने 3 दिन जाएं, सालाना चिल्ला जाएं, और जो अपने शेख से बैत हो वो तो अल्लाह के रास्ते में और अच्छी तरीके से मामूलात पूरे कर सकते हैं। कितना वक्त मिलता है, पूरा दिन मस्जिद में, दुकान पे मामूलात पूरे करें, उससे बेहतर है ना कि अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में मामूलात पूरे करें। महीने में 3 दिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए, सालाना चिल्ला लगाए, जिंदगी में बार बार 4 महीने लगाए और बैरून जाए अल्लाह के रास्ते में। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए। बैरून क्यों जाना है? फरमाया कि अंदरून बनाने के लिए, मेरी दिल की दुनिया बदले, अपनी इस्लाह की नीयत से जाना है। दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत में जो लगना है वो अपनी इस्लाह की नीयत से कि मेरी जिंदगी में भी दीन आ जाए और कयामत तक बस आने वाले तमाम इंसान और जिन्नात उनकी जिंदगी में दीन आ जाए और सब कैसे कामयाब हो जाए। हमारे नबी वाली फिक्र को अपने सीने के अंदर बसाना है। तो ये वो मुबारक मेहनत है, इस मेहनत की बरकत से अल्लाह ने कितने डाकुओं को हिदायत दी, कितने चोरों को हिदायत दी, कितने शराबियों को हिदायत दी, और इस मेहनत की बरकत से एक बहुत बड़ा मुजमा हाफिज बना, आलिम बना, कारी बना, मुफ्ती बना। कितने ऐसे हैं, आप हाफिज आलिमों को उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा उनके बाप दादा अल्लाह के रास्ते में लगे थे, वहां से दर्द उनके दिल में आया और उन्होंने तय कर लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती और दीन का दाई बनाया। और इस मुबारक मेहनत को अल्लाह ने 6 बर्र आजम में पहुंचाया। इस मेहनत को मामूली ना समझे, और ये मेहनत के करने वालों को फरिश्ता ना समझे, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है, बशर बशर है, फरिश्ता तो हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसलिए ये आजिज चाहता है, इस आजिज की एक दिली ख्वाहिश है कि दावत और तबलीग से जुड़े हुए लोग किसी अल्लाह वाले से बैत भी हो जाए, और जो अल्लाह वालों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये आजिज गुजारिश करता है कि आप अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाएं। दोनों हक काम है, और हक काम वाले एक दूसरे के मुआविन होते, मुखालिफ नहीं होते। अब जो अल्लाह वालों से जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि सारे दावत वाले अल्लाह वालों से जुड़ जाए, अच्छी सोच है, कब बहुत अच्छी सोच है, तो कैसे जुड़ेंगे? भाई आप जाओ अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, हर महीने 3-3 दिन जाओ। जब आप पाबंदी से वक्त लगाएंगे और वो आपको इस तरह जिक्र करते हुए देखेंगे, मुराकबा करते हुए देखेंगे, एक न एक दिन उनका दिल कहेगा कि यार ये भी तो हमारी तरह इंसान है, ये वक्त लगाता है लेकिन ये बहुत सही वक्त लगाता है, क्या बात है। तो वो आपसे आके पूछेंगे तो आप बताना कि आप भी फुला बुजुर्ग से बैत हो जाए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह करके लोग बैत होंगे, वरना तो आप लोगों से बदजन होते रहोगे, आपने समझाया ही नहीं उनको बैत क्या चीज है, और बार बैठे थोड़ी बात समझ आएगी, वो तो मैदान में आके समझ में आएगी। हमारी जुबान में कहते हैं ना भाई, अगर कोई बाउंड्री के बाहर कैच पकड़े तो उससे थोड़ी ना आउट होगा, वो तो 6 कहलाएगा। मैदान में आओ, मैदान में थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी कुर्बानी दो, जब उनको लगेगा कि ये भी हमारा दावत का साथी है, अब वो आपकी बात को कबूल करेंगे और फिर वो अल्लाह वालों से जुड़ेंगे, फिर वो ऐसे दाई बनेंगे कि जिंदगी भर आपका एहसान समझेंगे। वरना आप लोगों से बदजन होते रहोगे कि ये तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और शैतान आपको भी अल्लाह की नजर से गिरा देगा बदजन करके। बहुत समझदार रहिए, बहुत चौकन्ना रहिए, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह तसव्वुफ में जो घाटियां आती है उस घाटी से आप मुझे बचाइए, वरना वो जो है ना किसी को तो आपकी नजर में चढ़ा देगा और दूसरों को हकीर बना देगा। ये कौन का, ये मेरे शेख, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले, दूसरे तो का ये सब हकीर। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई शेख ये तालीम नहीं देता कि दूसरों को हकीर समझो। खैर, अपने शेख का बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन दूसरे मशाइख को हकीर नहीं समझना। वो आए तो आप उनकी खिदमत में हाजिरी दे, उनका इकराम करें, उनका एहतराम करें, अदब से उनके सामने पेश आए।
بلکہ یوں فرمایا کہ آپ کسی اور شیخ کی مجلس میں ہو اس وقت وہ جو ذکر کرائے وہ ذکر ہمیں کرنا چاہیے. ہاں پھر جب ان کی مجلس سے آپ آ جائے پھر اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات آپ پورے کریں. اپنے شیخ کا احترام اپنی جگہ پر میں منع نہیں کرتا. یوں فرمایا کہ جلا وہ شمع کہ آندھی جسے بجھا نہ سکے, جلا وہ شمع کہ آندھی جسے بجھا نہ سکے, ایسا نقش بن کہ زمانہ جسے مٹا نہ سکے. تیرے شیخ جیسا بن, تیرے شیخ کو زمانے نے مٹایا نہیں مٹایا تو تجھے بھی انشاءاللہ زمانہ نہیں مٹائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات کسی نے کسی اللہ والے سے بیعت ہے ان کو تو یہ عاجز سلام کرتا ہے, آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. بس بات اتنی ہے کہ وہ شیخ شیخ کامل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو شیخ ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامل بنائے, اور جو مریدین ہو اللہ تعالیٰ ان کی بھی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے, اور جو مشائق ہے اللہ تعالیٰ ان کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حفاظت فرمائے, اللہ انہیں اخلاص عطا فرمائے, ان کی برکت سے اللہ پوری امت کو اخلاص عطا فرمائے, اللہ مشائق کو ہدایت عطا فرمائے, اور ان کی برکت سے اللہ پورے عالم والوں کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے. اس لیے جو سالکین ہے ان سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائے, یہ حق کام ہے, حق کام. بھئی سالک ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں چل رہے, کسی شیخ سے بیعت ہے تو دکان پر جاتے کہ نہیں, بزنس کے لیے جاتے کہ نہیں, تو کیا اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے, مسجد میں نہیں جا سکتے, تین دن چلا نہیں جا سکتے؟ جا سکتے. اور جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات ہیں ان سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے آپ کسی اللہ والے سے آپ بیعت ہو جائے, دعوت والے خانقاہ والے ایک دوسرے کے معاون بنے, مخالف نہ بنے. جب یہ دعوت والے کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کے معمولات پورے کریں گے, اور خانقاہ والے جب اللہ کے راستے میں وقت لگانا شروع کریں گے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دونوں محنت کے ملنے کی برکت سے, محنت ملی ہوئی ہے, اللہ کرے کہ ہم اسے ملی ہوئی سمجھے اور صحیح معنوں میں محنت کرے, انشاءاللہ پوری دنیا میں انقلاب آئے گا, ہمارے ہر ساتھی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا. جو ہمارے مشائخ سے جڑے ہوئے حضرات ہیں جب وہ دعوت کے میدان میں آئیں گے اور لوگ ان کی عملی زندگی دیکھیں گے, اور ہمارے دعوت والے جب اللہ والوں سے جڑیں گے اور جب وہ بھی ذاکر بنیں گے اور اللہ کے ذکر میں کا اہتمام کریں گے تو اللہ ان کی دعوت میں جان پیدا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان جو ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں, اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں, کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ بنائیں, عالم بنائیں, قاری بنائیں, مفتی بنائیں. ہم تو عربی نہیں سیکھ سکے, اپنے بچوں کو تو سکھائے. ہو سکتا ہے اللہ ان کو مفسر قرآن بنائے, ہو سکتا ہے اللہ ان کو محدث بنائے. بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن نیت چھوٹی کرتے ہیں. میں دعا کر دینا نا, میں اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے, حافظ بنانا کا بہت اچھی بات ہے. تھوڑی سی تھوڑی محنت کر لیتے, عالم بھی بنا دیتے تاکہ قرآن بھی سمجھ پاتے. ایک شخص حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کہا, حضرت یہ میرے دونوں بیٹے ہیں حافظ ہیں, اور میرے یہ داماد ہیں یہ بھی حافظ ہیں. حضرت نے فرمایا کہ کسی کو عالم بھی بنا دیتے, خلاصہ یہ کہ وہ اللہ کا قرآن بھی تو سمجھ سکتا کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. حافظ کا تو ثواب بہت ہی اونچا ہے. ارے خوشی تو اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا تراوی پڑھاتا ہو اور اس کا باپ پیچھے تراوی پڑھتا ہو. خوشی کس کو کہتے ہیں, یہ اس باپ سے پوچھو. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, لمبا پڑھاؤ, حافظ, عالم, قاری, مفتی, دین کا دائی. اس کے مقدر کا لکھا ہوا رزق اس کو مل کر رہے گا, اللہ تعالیٰ عزت و بھری زندگی عطا فرمائیں گے, اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا عالم ہے, میرا بیٹا مفتی ہے, میرا بیٹا قاری ہے.
वो दीन की मेहनत करेगा। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया और वो आलिम बन गया और उसके पास 20 बच्चे हाफिज बन गए, तो वो 20 हाफिजों का सवाब भी आपको मिलेगा। और वो 20 हाफिज में से उसमें से भी दो ने पढ़ाया और उनके पास मिलकर दूसरे 25 हाफिज हो गए और ये सिलसिला चलता रहा। और इस मेहनत की आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इसकी बरकत से 2000 हाफिज हुए। आप इंशाल्लाह कल कयामत के दिन अपने नामे अमल में 2000 हाफिजों का सवाब पाओगे। मामूली चीज है, मुकद्दर का रिश्ता तो मिलकर रहेगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मना नहीं करता। इंग्लिश का अच्छा ट्यूशन करवा लो, 5-6 क्लास स्कूल पढ़ा ली, फिर इंग्लिश का अच्छा ट्यूशन करवा लिया। कहते हैं ज्यादा पढ़ाओ फिर आलिम बनाना। तो तजर्बा यह है, देखा गया है कि 100 ज्यादा पढ़े उसमें से 95 तो दुनिया के होके ही रह गए, बहुत बहुत तो 4-5 गए होंगे। उसको वो दुनिया ही मत दिखाओ ज्यादा, 5-6-7 क्लास, और उसमें भी वो यहां हाफिज हो गया हो, फिर उसको आलिम क्लास में रख दो। 13 साल की उम्र से वो आलिम बने, वो मुफ्ती बने, हमारे अंदर के जज्बात होने चाहिए। ये इसको काम आएगा इसकी कब्र में, दुनिया की डिग्री दुनिया में रह जाएगी और ये हाफिज आलिम कारी मुफ्ती की डिग्री मौत के बाद भी इसके साथ जाएगी। हाफिज अल्लाह का नाम है, जब कोई हाफिज होता है अल्लाह अपने नामों में से एक नाम उसको अता फरमाते हैं, फिर दुनिया उसको हाफिज कह के पुकारती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। हाफिज जो है, मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं कि अल्लाह का नाम है या हमारे नबी का नाम है। मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातिह, खातिम, हाशिर, माह, दा, सिराज, रशीद, मुनीर, बशीर, नदीर, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दसिर, शफीर, खलील, कलीम, हबीब, मुस्तफा, मुर्तवा, मुजतबा, मुख्तार, नासिर, मंसूर, हाफिज। हाँ, हाफिज हमारे नबी अलैहिस्सलाम का सिफाती नाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मन्नत समाजत करता हूं, हमारे यहाँ अच्छे वकील की भी जरूरत, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत, अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत, अच्छे ताजिर की भी जरूरत, मैं मना नहीं करता। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, पढ़ा लो अपने बच्चों को, हाफिज आलिम बना लो। अरे देखा गया कि जब बच्चा डॉक्टर बनता है तो माँ बाप बड़े अदब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, और बच्चा आलिम बनता है तो बच्चा बड़े अदब से बात करता है कि कहीं मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए। इंशाल्लाह पढ़ के बख्शेगा हमारे जाने के बाद, ईसा ने सवाब करेगा, अपने बच्चों को दीन की राह पे लगाएगा, नस्लों में इंशाल्लाह दीन आएगा। आपको अल्लाह का वास्ता, अपने बच्चों को पढ़ाओ, छोटी उम्र से अपने बच्चों को अल्लाह वालों के पास भेजो। बतौर खास जो हजरात बालिग हो चुके हैं उनसे तो ये आजिज गुजारिश करता है कि किसी न किसी अल्लाह वाले से जो शेख कामिल हो जरूर बैत हो जाए और उनके मामूलात पूरे करें, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएं, उलमाए किराम से मोहब्बत करें, हाफिजों का अदब करें, उनका एहतराम करें, जमीयत की मुबारक मेहनत से जुड़े, गरीबों की मदद करें, रिफाई कामों में हिस्सा लें, यतीमों के सर पर शफकत भरा हाथ फेरें, बेवाओं की मदद करें। इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोजा खत्म हो गया, ये रमजान की चौथी रात है। अल्लाह ताला हमें अपने आशिकों जैसा रमजान के रात दिन गुजारने की तौफीक अता फरमाए, एक एक लम्हे को अल्लाह वसूल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। इंशाल्लाह आइंदा कल जुबान की हिफाजत पर ही बात होगी और आगे कुछ बातें आप के सामने रखनी है जुबान के मुतालिक। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, खानका वालों को दावत और तबलीग से जुड़ने की और दावत और तबलीग वालों को खानका वालों से जुड़ने की अल्लाह तौफीक और सआदत अता फरमाए। और हर हक काम से, ये एक ही जिंदगी है, इस एक जिंदगी में अल्लाह हमें इनसे जुड़ने की और फायदा उठाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। हाथ उठाए दुआ कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन।
المتقين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ ہم رمضان 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 کو یاد کرتے تھے رمضان تو آیا اور بڑی تیزی سے گزرنے لگا تین روزے ہو گئے اللہ 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 عام دنوں کے مقابلے میں ہمارے بہت سے ساتھی نے کچھ محنت کی ہے اللہ کچھ محنت کی کسی نے زیادہ قرآن پڑھا کسی نے زیادہ درود شریف پڑھی اللہ ماشاءاللہ سب لوگ ایک بہت بڑا طبقہ روزہ رکھ رہا ہے تراویح پڑھ رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے اور یہ سب آپ کے فضل سے ہو رہا ہے افطاری سے پہلے لوگ دعا کر رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اللہ آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے آپ کا فضل ہے آپ کا احسان ہے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں زندگی غفلت میں گزری ہے اور یہ عبادت آپ کی شاید شان تو نہیں لیکن میرے مالک ہم نے دیکھا پیارے اللہ ہم نے سنا کہ ایک چھوٹی سی بچی 4-5 سال کی وہ روٹی بناتی ہے اور روٹی اس کا پتہ نہیں نقشہ کیسا بنا دیتی ہے یہاں دیوار پہ لگاتی وہاں دیوار پہ لگاتی ماں روٹی سیک دیتی اور کہتی جا تیرے ابو کو بتا تیرے ابو خوش ہوں گے وہ روٹی لے کے اپنے باپ کے پاس آتی اور کہتی دیکھو ابو 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 جی بیٹا کیا ہوا جی بیٹی کیا ہوا ابو میں نے آج روٹی بنائی باپ دیکھتا ہے کہ روٹی گندی کر دی ہے اس نے روٹی پہ مٹی لگا دی ہے اور الٹا سیدھا نقشہ بنا دیا ہے لیکن باپ جو ہے اس روٹی کو لیتا ہے اور کہتا ہے او میری بیٹی کتنی پیاری بیٹی ہے میری لاڈلی ہے اور کتنی اچھی ہے ماشاءاللہ کتنی شاندار روٹی بنائی او ہو دیکھو میری بیٹی بڑی ہو گئی میری بیٹی کو روٹی بناتے آ گئی باپ کبھی کبھار ایک ٹکڑا کھا لیتا ہے اور جب اس کی ماں آتی ہے تو کہتا ہے دیکھ تجھے تو روٹی بنانا صحیح معنوں میں نہیں آتی دیکھ یہ میری بیٹی نے کتنی اچھی روٹی بنائی ہے وہ یوں کہ بیٹی کی تعریف کرتا ہے خیر یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹی تو نے بہت اچھی روٹی بنائی بیٹی تو نے بہت اچھی روٹی بنائی اور باپ اس سے محبت بھری باتیں کرتا ہے اور باپ جو ہے اپنی بیٹی سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی ماں آتی ہے تو کہتا ہے کہ دیکھ بیٹی نے کتنی اچھی روٹی بنائی کتنی شاندار روٹی بنائی میری بیٹی تو بڑی ہو گئی وہ بیٹی سے پیار کرتا ہے بیٹی بھی خوش ہو جاتی ہے حالانکہ باپ کو پتا ہے یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے لیکن باپ اس کی تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی محنت کی لاج رکھتا ہے اللہ اللہ ہماری عبادت اس لائق تو نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکے آپ کے شاہ نشان تو نہیں لیکن اللہ اس بچے کی ٹوٹی پھوٹی روٹی جیسی ہے اور وہ بھی آپ کے فضل سے ہے آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما ہمارے قرآن شریف پڑھنے کو قبول فرما ہماری دعائیں مانگنے کو قبول فرما حزب العظم پڑھنے کو قبول فرما دینی محنت کرنے کو قبول فرما اللہ دعوت والوں کو خانقاہ والوں سے جڑنے کی خانقاہ والوں کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑنے کی اللہ توفیق و سعادت عطا فرما علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما مدارس سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما اپنے بچوں کو حافظ عالم قاری مفتی دین کا داعی بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ جمعیت والوں پر رحم فرما اللہ ہمیں بھی رفاعی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اللہ اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما میرے مالک کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ان شاء الله روزانہ رمضان میں دوپہر میں 3:30 سے 4 مستورات میں مجلس ہوگی ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے سننے کی کوشش کرے آگے بھی اس کی دعوت چلائے اور رات میں 11 سے 11:30 ان شاء اللہ عمومی مجلس ہوگی آپ حضرات سے گزارش ہے اس کو بھی سننے کی کوشش کرے جزاکم اللہ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ